अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चतुर्दशः सर्गः श्रीवसिष्ठोवाच इत्थम् जगदहन्तादि दृश्यजातम् न किञ्चन अजातत्वाच्च नास्त्येव यच्चास्ति परमेव तत् परमाकाशमेवाद जीवतां चेतति स्वयं निस्पंदां बोधि कुहरे सलिलं स्पंदतामिव आकाशरूपमजहत रूपमजहत एवं बेत्तीव हृद्यतां स्वप्न संकल्प पृथ्वी आदि रहितो देहो यो विराडात्मको महान आतिवाहिक एव असौ चिनमात्र क्षणभोमयः अक्षयः स्वप्नशैलभः स्थिर स्वप्नपुरोपमः चित्रकृत स्थिरचित्तस्थः चित्रसैन्य समाकृति ही अनिखातमहास्तंभ पुत्रिकाउँगो समोपमहा ब्रह्माकाशे निखातात्मा सुस्तंभे शालभंजिका आद्यह प्रजापति ही एवं स्वयंभूरिति विश्रुतः प्राक्तनानाम स्वकारियाना मभाद्यकार महाप्रलयपर्यते स्वाद काल पिता मुच्यवात प्राक्तन कर्म तुकी सो एव क्या दृश्यादृश्य स्वयं स्थित न च दृश्यं न नो श्रष्टा सर्वमेव च प्रतिशब्द पदार्थानम सर्वेषां मेव एवसः तस्मादुदेति जीवाली दीपाली दीपकादिवो संकल्प एव संकल्पात किलैति क्षमादिवर्जितः आदिमादिवनिशून्यः स्वप्नात स्वप्नां तरम्यथा अस्मादेक प्रतिस्पंदात जीवाः सम्प्रसरंति ये सहकारी कारणानाम अभावाच्चो सहेवते सहकारी अभावे कार्य कर्णम एकमेतदतो नान्यः परस्मात सर्गभिभ्रमा ब्रह्मवाद्यो विराडात्मा विराडात्मे सर्गता जीवा का शह सायवेतम् स्थितः पृथ्वीयाद्यसद्यतः श्रीराम उवाच किं स्यात् परिमितो जीवो

जीवजालर्णय ज्ञात में प्रास्त प्रकटीकु श्री वशिष्ठ उचे न जीवस्ती राशीना संभव कू श्रृंगं सुड्डीय प्रयाती वहिते वचह न नजीवानाम न संतिराघव नचाई कहाँ पर्वत प्रक्षयो जीव पिंडोंस्ती कस्चनो जीव शब्दार्थ कलना समस्त कलना नेह कास्चन संतिति निश्चयोस्तु तवा चो दचिन मात्रम ममलम ब्रह्मास्ति होहि सर्वगं तद्यथा सर्वशक्तित्वात् विन्दते याह स्वयं कला चिन मात्रानुक्रमेणैव सम्प्रफुल्ल लतामिबो ननु मूर्ताम मूर्तावा तामेवाशु प्रपश्यते जीवो बुद्धि क्रियास्पंदो मनो द्वित्वैक्य मिथ्यपि स्वसत्तां प्रचकंतिं ताम नियोजयति वेदने सा बुद्धैव भवत्येवम भवेद् ब्रह्मैव बोधत अबोधः प्रेक्षयायाति नाशं नतु प्रबुध्यते यथाधकारो दीपेन प्रेक्ष्य प्रणश्यति ना एवं ब्रह्म जीवात्मा निर्भागो निरंतर सर्वशक्तिरना महाचित्सारूपवा सर्वानुतया त्वस्य न भेदकल्पना विद्यते या हि कलना सा तदेवानुभूतितः श्रीराम उवाच एवमेतत्कथं ब्रह्मन् एकजीवेच्छयाखिलाः जगज्जीवानयुज्यन्ते महाजी वही कतावशात् श्रेय वशिष्ठवचो महाजी बात मतद्व्रम्भा सर्वशक्तिमायात्मगम स्थितम् तथेच्छमेभे ह निर्बिभागम निरंतरम् यदेवेच्छति तत्तस्य भवत्या शुमहात्मनः पूर्वम् तेनेष्टमिच्छादि ततो द्वित्वमुदेति यत् पश्चाद्वित्वविभक्तानाम् स्वशक्तीनाम् प्रकल्पितः अनेनेत्थम् हि भवतीत्येवम् तेन क्रियाक्रमः तं विनानुदये त्वासाम् प्रधाने छयवोहति शक्त्यायहयातया ब्राह्म्या नियमोयम् प्रकल्पितः यस्या जीवाविधानायाह शक्त्यपेक्षा फलत्यसो प्रधान शक्ति नियमानुष्ठानेन विना नतु प्रधान शक्ति सुप्रतिष्ठो न चेद भवेत् तत्फलम् शक्त्यधीनत्वान्नेहितानाम् क्वचिद् भवेत् एवम् ब्रह्म महाजीवो विद्यतेऽन्तादिवर्जितः जीवकोटि महाकोटि भवत्यथ न किञ्चन चैत्यसंवेदनाज्जीवो भवत्यायाति संश्रितिं तदसंवेदनाद्रूपं समायाति समं पुनः एवं कनिष्ठ जीवानां ज्येष्ठ जीवक्रमाक्रमैः समुदेत्यात्मजीवत्वं ताम्राणामिव हेमता अत्रांतरे महाकाश इत्थमेश गणोऽप्यसन् स्वात्मैव स दिवो देति चिच्चमत्करणात्मकः स्वयमेव चमत्कारो यः समापद्यते चितः भविष्यन्नाम देहादि तदहं भावनं विदुः चितो यस्माच्चिदालेह

स्वतो यत् चितः चैत्यस्य च प्रकाशस्य जगदित्येव तत्स्थितम् आकाशादपि सूक्ष्मैषा या शक्तिर् वितताचितः सा स्वभावत एवैता महं ता आत्मन्यात्मात्मनैवास्या यत्प्रस्फुरति बारिवत् जगदन्तमहम् ताणुम् तदैषा सम्प्रपश्यति चमत्कारकरी चारु यच्चमत्कुरुते चितिः स्वयं स्वात्मनि तस्यैव ततः

भवत्यर्थात्मको भवेत् चिता यथाद कलिता स्वसत्ता सा तथोदिता अभिन्ना दृश्यते व्योम सत्ता सत्ते न विद्महे विश्व खम जगदीहाख्यम खमस्ति विबुधालयः

यदम जगत रूपम तस्फुन रूपिण मनो बुद्धिहंकारो भूता दिशायाचनाचित्वाज्जगत्थि चितेश्चित्व ना नाजगच्चिस्ती अजग्वादचिचिभाना भेदो जगत्कुता चितेमीचिबीज सेजाया तत्कृति साइा जीवतन्मात्र जगदिति स्थिता चिताशक्तिकचनम यदहं भावनं चितः जीवः स्पंदन कर्मात्मा भविष्यदविधोऽयहसौ यच्च चित्त्वेन कचनं स्वसंपाद्या विधात्मगं स्वविकारैर्व्यवच्छेद्यं विद्यते नो न विद्यते चत् स्पंद रूपिणो रस्ति नो भेदः कर्तृकर्मणो स्पंद मात्रं भवेत कर्म सएव पुरुषः स्मृतः जीवश्चित्तपरिस्पंदः पुंसां चित्तं सएवच मनस्त्विन्द्रियरूपं सत्सत्तां नानैव गच्छति शान्ताशेषविशेषम् हि चित्प्रकाशच्छटा जगत् कार्यकारणकादित्वम् तस्मादन्यन्न विद्यते अच्छेद्योह मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोहमिति स्थितम् विवदन्ते तथा इहतर यथा भ्रमयहि भमयन्तो भयं त्वेते जाता विगत बिभ्रमाः दृश्ये मूर्ते ज्ञसंरूढे विकारादि पृथग्भवेत् नामूर्ते तज्जकचिते चित्खे सदसदात्मनि चित्तरौ चेत्यरसतः शक्तिः कालादिनामिकाम् तनोत्याकाशविशदाम् चिन्मधुश्रीः स्वमञ्जरीम् स्वयम् विचित्रम् स्फुरति चिदण्डकमनाहतम् स्वयम् विलक्षणस्पन्दम् चिद्बायु रंडजातु म कह स्वयं विचित्रम कचनम चिद्वारी न निखातगम स्वयं विचित्रधातुत्वम श्रेष्ठांगम पिनिरमितम स्वाविचित्रारसोलासा चिज्योच्चनास्तातातोदिता स्वयं स्वयचिदे प्रकटश्चिद महात्मक स्वयस्त गा्ये स्वनाता चिति स्वयं जड़ेषु जाड्येन पदम सौषुप्तता स्वयं स्पन्द स्पंदी चिचि महानभ चित्प्रकाशप्रकाशो हि जगदस्ति च नास्ति च चिदाकाशैकशून्यत्वं जगदस्ति च नास्ति च चिदालोकमहारूपम् जगदस्ति च नास्ति च चिन्मारुतपरिस्पन्दो जगदस्ति च नास्ति च चिद्घनध्वान्तकृष्णत्वं जगदस्ति च नास्ति चिदर्कालोकदिवसो का जगदस्ति च नास्ति च चित्कज्जलरजस्तैलपरमाणुर्जगत्क्रमः चिदग्न्यौष्ण्यं जगल्लेखा जगच्चिच्छङ्खशुक्लता जगचिशल चिज्जल्रवता जगत् जगच्चिदीक्षुर्म चित्षीस्ग्धता जगत् जगच्चिमशीत चिज्ज्वालाज्वल जगत् सरितो जगत जगत् चित क्षौद्रमाधुरियम जगत् चित कनकांगदम् जगत् चित पुष्पसौगन्ध्यम् चिल्लताग्रफलम् जगत चित सत्तैव जगत सत्ता जगत सत्तैव चित्बपुहु अत्र भेदविकारादि नखे मलमिवस्थितम् इतिदं सन्मयत्वेनो सदसदभुवनत्रयम् भविकल्पतदात्मत्वात् सत्ता सत्तैकतेैवच अवयवावयविता शब्दार्थौ शशशृंगवतु अनुभूत्यपलापाय कल्पितो यर्धिगस्तुतान न विद्यते जगद्यत्र साद्र्यब्धुर्बी नदीश्वर चिदेकवात् प्रसंग सैत् कस्तत्रेतर बिभ्रम शिलाहृदयी ना स्वाकाशे विशद चित् धत्तेखिल शात सन्निवेशम यथा शिला पदार्थ निकराकाशे त्वयमाकाशजो मलह सत्ता सत्तात्मता त्वत्ता मत्ता श्लेषा न सन्ति ते पल्लवान्तरलेखौघ सन्निवेशबदाततम् अन्यानन्यात्मकमिदं स्वभावतः समस्तकारणौघानाम् कारणादिपितामहः स्वभावतोकारणात्मा चित्तं सिद्ध्यनुभूतितः नाचासत्त्वा मचेत्यायाश्चितो वाचापि सिध्यति यदस्ति तदुदेतीति दृष्टं बीजादिवांकुरः गगनैव सुशून्य भेदमस्ति त्रिभुवनमंगम महाचितोन्तरस्य परम पदमयम् समस्तदृश्यं त्विदमिति निश्चयवान् भवानुभूतः इत्युक्तवत् प्रत्यथ मुनौ दिवसो जगाम सायं तनाय विधये स्तमितो जगाम स्नातुं सभाकृत नमस्करणाज जगाम श्यामाक्षये रविकरैश्च सहा जगाम इत्यार्षे वाशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे ब्रह्म नाम चतुर्दशसर्गः अब इस चौदहवें सर्ग में भेद के निराकरण पूर्वक एकमात्र ब्रह्म की ही अखंड सत्ता का वर्णन तथा जगत की पृथक सत्ता का खंडन किया गया है श्री वशिष्ठ जी कहते हैं हे रघुनंदन इस प्रकार अहमता आदि दृश्य समूह भूत जगत वास्तव में कोई वस्तु नहीं है कभी उत्पन्न न होने के कारण इसका अस्तित्व है ही नहीं और जिसका अस्तित्व है वह तो परब्रह्म परमात्मा ही है यदि स्वप्न में दिखाई देने वाला पर्वत अविनाशी हो तो यह जगत उसी के समान अविनाशी है यदि स्वप्न में प्रतीत होने वाला नगर स्थिर हो तो उसी तरह यह जगत भी स्थिर है तात्पर्य यह है कि जैसे वे अविनाशी और स्थिर नहीं हैं, वही दशा इस जगत की भी है यदि चित्रकार का चित्त स्थिर हो और उसमें वासनामय स्थिर चित्र बने तो उस चित्र में कल्पना द्वारा अंकित सेना के समान ही इस जगत की आकृति है अर्थात जैसे उस चित्र में अंकित सेना अस्थिर एवं असत्य है उसी तरह यह जगत भी है आदि प्रजापति का भी जो स्वयंभू नाम से पहले पहल विख्यात हुआ कोई कारण नहीं है क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म शेष नहीं है महाप्रलय होने पर पूर्व काल के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं अतः उनमें पूर्व जन्म का कर्म कैसे रह सकता है ब्रह्म ही सबसे प्रथम होने वाला हिरण्यगर्भ है वही विराट है और विराट ही सृष्टि स्वरूप है इस तरह वह चिन्मय परमात्मा ही जीवाकाश रूप से स्थित है जिससे पृथ्वी आदि सत प्रपंच की उत्पत्ति होती है तात्पर्य यह है कि समस्त जगत ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है केवल एकमात्र शुद्ध चिदघन निर्मल एवं सर्वव्यापक ब्रह्म ही सर्वत्र सर्वदा विद्यमान विराजमान है वह सर्वशक्तिमान होने से जिन जिन कौशल पूर्ण कल्पनाओं की भावना करता है उन्हें स्वयं ही प्राप्त करता है स्वयं तद्रूप हो जाता है जैसे हाथ में दीपक लेकर ढूंढा जाए या देखा जाए तो अंधकार अदृश्य हो जाता है उसका कहीं पता नहीं लगता उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश छा जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार का तत्व ज्ञात नहीं होता उसका पता ही नहीं चलता इसी प्रकार अखंड व्यवधान शून्य अनादि अनंत तथा सर्वशक्तिमान जीवात्मा जो कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से रूपवांसा प्रतीत होता है वह वास्तव में ब्रह्म ही है उससे भिन्न नहीं है वह ब्रह्म सब प्रकार से महान हैं देश काल और परिणाम से परिच्छिन्न नहीं है इसलिए कहीं उसमें भेद की कल्पना नहीं है और जो भेद की कल्पना होती है वह भी ब्रह्म ही है उससे भिन्न नहीं है क्योंकि सर्वत्र ऐसा ही अनुभव होता है चेतन की जो यह आकाश से भी सूक्ष्म शक्ति सब और फैली हुई है वह स्वभाव से ही पहले इस अहमता अहंकार का दर्शन अनुसंधान करती है जैसे जल अपने आप में ही स्वयं ही बुद्धबुद्ध और तरंग आदि के रूप में स्फुरित होता है उसी प्रकार जब आत्मा अपने आप में स्वयं ही स्फुरनशील होता है तब उस चेतन आत्मा की यह चित शक्ति उस सूक्ष्म अहमता का दर्शन अनुसंधान करती है जो उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त होती हुई अंत में ब्रह्मांड का आकार धारण कर लेती है चेतन की चमत्कारिणी जो चिती शक्ति है वह स्वयं अपने आप में जिस सुंदर चमत्कार की सृष्टि करती है उसी का नाम जगत रख दिया गया है रघुनंदन चैत्यभूत दृश्यभूत जो अहंकार है उसकी कल्पना चैतन्य के अधीन है अर्थात चैतन्य की ही वह कल्पना है तथा तन्मात्रा आदि जो जगत है उसकी कल्पना अहंकार के अधीन है इस प्रकार अहंकार और जगत चैतन्य रूप ही है फिर उस चैतन्य में द्वैत और अद्वैत कहाँ रह सकते हैं ईहा अर्थात मन की चेष्टा संकल्प संकल्प रूप जो ये सारा सूक्ष्म जगत है वह शून्य ही है तथा इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देवताओं का निवासभूत जो साकार एवं स्थूल विश्व है वह भी वास्तव में शून्य ही है क्योंकि दोनों ही चैतन्य के चमत्कार रूप चैतन्य ही हैं इसलिए वह चैतन्य से भिन्न नहीं है जो वस्तु जिस वस्तु का विलास होती है वह उससे कभी भी भिन्न पृथक नहीं होती अवयवयुक्त जल आदि के भूत, तरंग आदि में भी ऐसा ही देखा गया है फिर अवयव रहित चेतन के विलास में अभिन्नता हो इसके लिए तो फिर कहना ही क्या सदा अचैत्य अदृश्य अथवा रूप से रहित नाम रहित और सर्वव्यापक चैतन्य शक्ति का जो रूप है उससे स्फूर्ति प्राप्त करने वाले जगत का भी वही रूप है चैतन्य की ही जो भिन्न भिन्न आकार में स्फुरएँ होती हैं वे ही जगत कही गई हैं अतः यह जगत उस चैतन्य शक्ति या चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है हे श्री राम चेतन आत्मा का जो चैतन्य है उसी को जगत समझो वह चैतन्य जगत से पृथक नहीं है यदि चैतन्य को जगत भाव से रहित या भिन्न माना जाए तो चित्त चित ही नहीं रह जाएगा चेतन को चेतन नहीं कहा जा सकेगा क्योंकि अपने धर्म या स्वरूपभूत जगत को चेतित प्रकाशित करने के कारण ही तो उसे चित या अचेतन कहते हैं अतः चेतन से जगत का प्रतीति मात्र से ही भेद है वास्तव में भेद नहीं है ऐसी परिस्थिति में जगत की पृथक सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है चैतन्य प्रधान अहंकार करता है और स्पंद प्रधान हिलना चलना आदि चेष्टा में प्राण कर्म क्रिया है इन दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि कर्ता का अपनी क्रिया से भेद नहीं देखा जाता चित्त का स्पंदन मात्र ही क्रिया प्राण है उससे संयुक्त तो पुरुष ही जीव कहा गया है इस प्रकार जीव और जगत में भेद नहीं है कार्य कारण आदि भाव रूप चेतन जगत आत्मा से भिन्न नहीं है वह चैतन्य प्रकाश की एक झलक मात्र है अतः जहाँ सब भेदों का लय हो गया है वह परमात्मा ही जगत है यह सिद्ध हुआ इस प्रकार तत्वज्ञान हो जाने पर यह निश्चय हो जाता है कि मैं अच्छेद्य हूँ कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता मैं अदाह्य हूँ मुझे आग जला नहीं सकती मैं अशोष्य हूँ हवा मुझे सुखा नहीं सकती तथा मैं नित्य सर्वव्यापी सुस्थिर और अचल हूँ जैसे अपने भ्रम से औरों को भ्रम में डालते हुए विवादशील मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं उसी प्रकार जो अज्ञानी हैं वे ही इस परमात्म तत्व के विषय में वाद विवाद करते हैं हम लोग तो भ्रम रहित हो गए हैं अतः हमारे लिए विवाद का अवसर ही नहीं है अज्ञानी लोगों ने जिसकी सत्ता को दृढ़तापूर्वक मान रखा है वह दृश्य जगत उनकी दृष्टि में मूर्त एवं सत्य है अतः उन्हीं की भावना के अनुसार उसमें पृथक विकार आदि हो सकते हैं परंतु आत्मज्ञानी की दृष्टि से जो निराकार असत्य एवं चिन्मय आकाश रूप है उसमें आत्मा से पृथक विकार आदि की प्रतीति कैसे संभव है चेतन आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आने देकर विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होता है तत्पश्चात वह चेतन स्वयं ही आकाश जनित वायु होकर विलक्षण स्पंदन कंपन के साथ प्रकट होता है इसके बाद जिसकी उत्पत्ति की चर्चा अभी की जाएगी उस तेजस तत्व के रूप में प्रादुर्भूत हुआ चेतन स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होता है और फिर वह जल धरती खोद कर निकाले गए कूप तड़ाग आदि के जल से भिन्न होता है क्योंकि पृथ्वी की सृष्टि से पहले उसका उस कूप आदि से संबंध होना संभव नहीं है जल तत्व की सृष्टि के बाद वह चेतन स्वयं ही सुवर्ण रजत आदि विचित्र धातुओं से पूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता असुर एवं मनुष्य आदि के शरीर भाव को भी प्राप्त हुआ है सदा उदित रहने वाला चेतन रूपी चंद्रमा स्वयं ही अपने विचित्र रसोल्लास से युक्त चांदनी और महान चिन्मय प्रकाश बनकर प्रकट हुआ है अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोक से दृश्य प्रपंच रूपी अज्ञान अंधकार के नष्ट हो जाने पर वह चेतन आत्मा रूपी चंद्रमा स्वयं ही पूर्णता को प्राप्त होकर उदित एवं प्रकाशित होता है और स्वयं ही जड़तावश स्थावर आदि पदार्थों में अहं भाव करने से सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है चिन्मय महाकाशरूप ब्रह्म स्वयं ही अविचार दशा में स्पंदनशील प्राण आदि में आत्मभाव की कल्पना करने पर स्पंदी अर्थात संसारी हो जाता है और फिर विचार करने से मैं चेतन ही हूँ इस प्रकार जब चैतन्य ज्ञान का उदय होता है तब वह पुनः पूर्ववत अपने स्वरूपभूत चैतन्य में ही प्रतिष्ठित होता है यह जगत चेतन रूपी तेज का प्रकाश है अतः ब्रह्म दृष्टि से तो यह ब्रह्म स्वरूप ही है किंतु जगत दृष्टि से यह सर्वथा अस्तित्व शून्य है जगत चेतन रूपी एकमात्र आकाश की शून्यता है ब्रह्मरूप से यह सत है और जगत रूप से असत जगत चेतन रूपी आलोक का महान रूप है ब्रह्म दृष्टि से वह सत है और उससे भिन्न रूप में उसकी सत्ता का सर्वथा अभाव है जगत चेतन रूपी वायु का स्पंदन मात्र है यह जगन्मयी रेखा चेतन रूपी अग्नि की उष्णता है जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं है उसी प्रकार चेतन का जगत से भेद नहीं है यह जगत चेतन रूपी जल का द्रवत्व तरलता है चिन्मय इक्षुदंड का माधुर्य है चैतन्य रूप हिम की शीतलता है चेतन रूपी ज्वाला की लपट है चैतन्यमयी सरिता की तरंग है और चेतन रूपी सुवर्ण का बना हुआ कंकण है चेतन की सत्ता ही इस जगत की सत्ता है जैसे आकाश में मल नहीं है वह सर्वथा निर्मल है उसी प्रकार चेतन परमात्मा में भेद और विकार आदि नहीं है वह सर्वथा अखंड एवं निर्विकार है इस प्रकार ये तीनों लोग सत आत्मा का स्वरूप भूत होने से सत ही हैं अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं है चिन्मय परमात्मा में अवयव और अवयवी इन दोनों शब्दों के अर्थ खरगोश के सिंह की भांति असत हैं संपूर्ण पदार्थ समूहों के भूत चेतन आकाशमय परमात्मा में इस भूताकाश जनित वायु आदि जगत रूपी मल की प्रतीति होती है परंतु जब असंग भूताकाश से ही उसके कार्यभूत वायु आदि का कोई संबंध नहीं है तब चेतन महाकाश स्वरूप परमात्मा में इस प्रपंच की सत्ता असत्ता तथा तू और मैं आदि का व्यवहार और इन भावों का संबंध कैसे हो सकता है संसार में जितने कार्य हैं उन सबके समस्त कारण समूहों का आदि कारण ब्रह्मा है चित्त से उत्पन्न मनोरथ जनित सारे संकल्प विकल्प असत होते हैं अतः चित्त स्वभाव से ही किसी का कारण नहीं है वह अकारण रूप ही है और वही ब्रह्मा है यदि हम कहें कि चैत्य जगत के असत होने पर चेतन भी असत हो जाएगा क्योंकि वह अपने स्वरूप भूत चैत्य से पृथक नहीं है तो यह ठीक नहीं है चेतन की असत्ता तो बाणी मात्र से भी सिद्ध नहीं की जा सकती क्योंकि चेतन आत्मा अनुभव से सिद्ध है जो है उसका अवश्य उदय होता है जैसे बीज से अंकुर का यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है अतः यह सिद्धांत स्थिर हुआ कि परमात्मा की सत्ता से ही जगत की सत्ता है स्वतंत्र नहीं महर्षि वशिष्ठ जब इतनी बात कह चुके तब दिन बीत गया सूर्य अस्ताचल को चले गए मुनियों की वह सभा सायंकालिक नित्य कर्म करने के लिए स्नान करने के उद्देश्य से महर्षि को नमस्कार करके उठ गई और फिर जब रात बीती तब काल के सूर्य की किरणों के साथ ही साथ वह मुनिमंडली पुनः सभा भवन में आकर बैठ गई और सत्संग प्रारंभ हुआ अब योग वाशिष्ठ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ होने वाले हैं जिसको लीलोपाख्यान कहते हैं उसकी कथा अगले सत्र में होगी हरिओम तत्सत